नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हो आरबी स्टोन वर्किंग चैनल। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि ब्रेक जॉइंट में टाइल कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो आएंगी आरवी स्टोन वर्किंग चैनल पर, पूरी जानकारी के साथ ही आएंगी, और आप अपने हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो का आनंद लें। तो चलो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हमने सबसे पहले इसमें सीमेंट मिलाया है, और ये मोरंग इसको बोलते हैं जिसको, इसको हम मिला लेते हैं। बढ़िया तरीक़ा से मिलना चाहिए ताकि हमारा ये अच्छी तरीक़ा से सेट हो जाए। फिर इसमें हम पानी मार लेते हैं, हमको ये मीडियम साइज ही रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इस पूरे एरिया का लेवल उतार लेना है ताकि हमारा उसमें पता चले कि हमारा कितना माल आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। हमने सबसे पहले इसमें लेवल कर लिया है और हम इसमें अब ठिया लगाने जा रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो कि हम इसमें ठिया लगा रहे हैं कि हमारा उतना स्लोप रहे, उतना स्लोप देना है हमको। इसी प्रकार से हम चारों तरफ के ठिए लगा लेंगे और फिर हम अपनी चाल को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हमने सबसे पहले चारों तरफ इसके ठिए लगा लिए हैं और हम चाल को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने चारों तरफ के ठिए लगा के एकदम परफेक्ट नाप के परफेक्ट करके हम कर लेंगे और फिर आगे की बताते हैं। तो दोस्तों, आप भी देख रहे हो कि हमने इसमें ये सूत पकड़ा हुआ है, इसमें हम एक और ठिया लगाएंगे बीच में ताकि हमारा मार्जिन जिसको बोलते हो वो मार्जिन हमारा आसानी से खिंच जाए, ताकि हमारा मार्जिन टेढ़ा ऊंचा नीचा ना हो। इसी प्रकार से हम इधर भी लगाएंगे और बिल्कुल सूत में होना चाहिए हमारा ठिया। तो दोस्तों, ठिया कंप्लीट होने के बाद फिर हमको एक इस तरह का पट्टा खींच लेना है, क्योंकि हमारा मार्जिन खिंचेगा जो इसी पट्टे से खिंचेगा। इसको हमको एकदम परफेक्ट मार्जिन खींचना है, इस पट्टे को हमें एकदम परफेक्ट कर लेना है ताकि हमारा जो पट्टा खिंचे वो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट खिंचना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने पट्टे को परफेक्ट खींच लिया है। इसी से हमारा सारा मार्जिन खिंचता हुआ चला जाएगा। इसी पट्टे से हमको थोड़ा वीडियो बनाने में इधर ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, इसलिए हमारा वीडियो इतना ही है, हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने वो पट्टा खींचा था, उसी हिसाब से हमारा ये मार्जिन, उसी पे हमारा मार्जिन खिंचता हुआ चला जा रहा है, और इससे हमारा किसी प्रकार की टाइल में होटा नहीं आएगा, ऊंची नीची नहीं रहेगी। और हम अपनी काम को बरकरार चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि इधर भी हमने पट्टा खींचा हुआ है और इधर भी हमारा मार्जिन खिंचा हुआ है। तो इसी पट्टे से हमारा सारा मार्जिन खिंचता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम सबसे पहले इस पे घोल डालते हैं। हमारा घोल उतना ही होना चाहिए जितना, उसी हिसाब से ना गाढ़ा ना पतला, हमारा घोल मीडियम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हो ना, ये आपको इस पर मार लेना है, क्योंकि ताकि हमारी इससे टाइल खाली ना बजे और हमारी टाइल को ठोकने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि इस पर स्क्रेच करने से टाइल भी टूटेगी नहीं और टाइल आसानी से हमारी लग जाएगी। तो दोस्तों, हमने इसी प्रकार से दूसरी टाइल को रखते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जिसको बोलते हैं हम ब्रेक जॉइंट, उसी जॉइंट को हमें मिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारी ये नीचे वाली टाइल भी
ब्रेक जॉइंट में लगी हुई है। तो दोस्तों इसमें हमने 5 mm का ग्रुप छोड़ा है। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हो ये हमारा 5 mm का स्पेसर है। इसी की सहायता से हम सारी टाइलों में 5 mm का ग्रुप छोड़ते हुए चले जाएंगे और हमारी टाइल ब्रेक जॉइंट में लग जाएगी सारी टाइलें। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो कि हमारी टाइल 1200x600 की है। इसी हिसाब से हम सारी टाइलों को लगाते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी सारी टाइलें इसी प्रकार से ब्रेक जॉइंट में लगी हुई है और इसी प्रकार से हमारी सारी टाइलें ब्रेक जॉइंट में लगती हुई चली जाएंगी। और हमारा ये 5 mm वाला ग्रुप भी इसी हिसाब से चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों हमारी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, राम राम।